जरिए मुखबिर शासक की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग वार्ड क्रमांक 9 न्यू बोरौंदा व्यवहारी में अवैध रूप से पटाखे का निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना पर राहगीर पंचानों को तलब करके मौके पर पहुंचकर व्यवहारी पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो वार्ड क्रमांक 9 में रहने वाले मोहम्मद फैयाज तथा उसके बगल में रहने वाले दो व्यक्ति, जिसमें से एक मोहम्मद जहीर तथा दूसरा मोहम्मद फरीद, ये तीनों व्यक्ति अपने घरों में अवैध रूप से पटाखे का निर्माण करते हुए पाए गए। पुलिस द्वारा मौके पर दबिश दिए जाने पर भारी मात्रा में पटाखा निर्माण की सामग्री मिली तथा इसके साथ साथ निर्मित पटाखे भी मौके पर काफ़ी संख्या में काफ़ी मात्रा में पाए गए। उक्त निर्माणाधीन निर्मित पटाखों की पुलिस द्वारा आरोपी कब्जे से जब्ती की गई है, जिनकी अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत करीबन 2.5 लाख रुपये है और तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 288 BNS तथा 5/9 का विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा वैधानिक कार्यवाही की गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।